मुझे आज भी याद है, आज से 2-4 महीने पहले भी आपको एपीयू बिल मिलता था, ठीक है, बजट के अंदर। मतलब मैं खुद बिल कर चुका हूँ, मेरा एक दोस्त था मैं उसके लिए भी बिल कर चुका हूँ। लेकिन अभी के टाइम ना सीन पूरा अलग हो चुका है। RTX 3050 को लेके 6 कोर 12 थ्रेड के साथ अभी के टाइम आप अपने लिए एक कमाल का गेमिंग पीसी बिल बना सकते हो, जहाँ पे आपका गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग सब कुछ करवा के देगा। स्टूडेंट हो, कोडिंग करना है, और भी जो कुछ आपका डेली वर्क रहता है ऑफिस के अंदर, ये सब कुछ भी आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपको RTX 3050 मिल रहा है, 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिल रहा है। आज हम लोग इसी के बारे में भी बात करेंगे। वीडियो यहाँ पे ना कमाल का होने वाला है, वीडियो को ना स्किप मत करना, पूरा देखना। लेकिन उसके पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना, हमेशा की तरह हम लोग को जो लाइक है होता है इसको कंप्लीट करवा देना। और अगर आपको इसी तरीके का गेमिंग पीसी रिलेटेड कंटेंट देखने में मजा आता है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिमिर, आप देख रहे हो लूप होल्टिंग यानी टेक की अंदर की बात। बट बिफोर दैट, अगर आपको अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल्ड करवाना है तो आप इनका वेबसाइट को एक बार चेकआउट कर सकते हो, जो है techpc7.in। यहाँ पे आपको कुछ बेहतरीन प्री बिल्ड पीसी एंड कस्टम पीसी बिल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म को चूज करके प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम और बाकी का सारे कॉम्पोनेंट को सिलेक्ट करके अपने लिए एक बेहतरीन कस्टम पीसी बिल्ड बनवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको सिंगल पीसी पार्ट्स बाय करना है तो भी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाता है, ऑल ओवर इंडिया पे ये लोग शिपिंग करवाते हैं। अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन पीसी बिल बनवाना चाहते हो तो आप एक बार जरूर से इनका वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपको पीसी बिल करना नहीं आता तो आप मुझसे अपना पीसी बिल बना सकते हो, ऑल ओवर इंडिया पे मैं यहाँ पे शिपिंग करवाता हूँ। तो मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके मैं से आप अपने लिए एक चमचमाता नया पीसी बिल बना सकते हो। सबसे पहले ना हम लोग बात करेंगे इस पीसी बिल का मदरबोर्ड के बारे में। अब मदरबोर्ड के अंदर मैं आपको एक ऐसा मदरबोर्ड सजेस्ट करूंगा जिसको आपको लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आप इस बजट के अंदर पीसी बिल बना रहे हो तो आपको यही मदरबोर्ड लेना है, कारण मैं आपको आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो मदरबोर्ड यहां पे आता है MSI की तरफ से H510MA Pro। अब इस वाले मदरबोर्ड को चूज करने का एक ही मकसद है, क्योंकि इस वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको PCI Gen 4 का सपोर्ट मिलता है। अब RTX 3050 जो कार्ड है इसके अंदर आपको Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसके साथ एक ऐसा मदरबोर्ड पेयर करना है जिसके साथ आपको जनरेशन 4 का सपोर्ट मिले। कोई और मदरबोर्ड पे ना जाओ, क्योंकि इससे सस्ता भी मदरबोर्ड आता है लेकिन उसके अंदर आपको जनरेशन 4 का सपोर्ट नहीं मिलता, जनरेशन 3 का मिलता है। तो इसलिए आपको ये वाला मदरबोर्ड पे लेना है आपका ग्राफिक्स कार्ड के साथ। आपका यहाँ पे मदरबोर्ड यहाँ पे कॉम्पेटेबल होना चाहिए ताकि ग्राफिक्स कार्ड का फुल पोटेंशियल पे यहाँ पे इस्तेमाल हो सके। तो इस वाले मदरबोर्ड को आपको इस्तेमाल करना है। 11 जनरेशन का प्रोसेसर सपोर्ट कर जाता है, 3200 MHz का रैम इसके अंदर लग जाता है, और भी आपको NVMe स्लॉट मिल जाता है इस मदरबोर्ड के अंदर। तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस मदरबोर्ड के साथ। बात करें इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग की, वेदन कंप्यूटर के अंदर 5800 रुपए का देखने को मिल जाता है ये वाला मदरबोर्ड, इसको आप इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। अच्छा, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेसर के बारे में। अब यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं टोटल बजट यहाँ पे कितना है, तो वीडियो का एंड पे आपको मिल जाएगा सारे कंपोनेंट का डिटेल्स, उसका प्राइसिंग और टोटल यहाँ पे कितना कॉस्ट कर रहा है आपको ये वाला बजट पीस बिल्ड, आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के अंदर हम लोग यहाँ पे आपको रिकमेंड करेंगे इस्तेमाल करो i5 का 11400F। ये वाला प्रोसेसर ना 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। अब जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि 12 जनरेशन का 12100F का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, देखो 12100F का इस्तेमाल कर सकता था लेकिन वहां पे आपको गेमिंग जो एक्सपीरियंस है वो आपको सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, इसके जैसा ही मिलेगा। लेकिन जब बात आता है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के काम का, एडिटिंग के ऊपर या फिर स्ट्रीमिंग के ऊपर, तब यहाँ पे आपको मल्टी कोर जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे इस प्रोसेसर के साथ 11400 के साथ आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। वहीं पे आपको यहाँ पे 12100 यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकल के नहीं देगा मल्टी कोर के अंदर। तो इसलिए मैं आपको ये वाला प्रोसेसर रिकमेंड कर रहा हूँ जिसके अंदर आपको गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग सब कुछ करवा के देगा। 12 MB के इंटेल का स्मार्ट कैश देखने को मिल जाता है। ये वाला प्रोसेसर ना आपको बेस्ट वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस ऑफर करता है, तो इस वाले प्रोसेसर का ही आपको इस्तेमाल करना है इस बिल्ड के अंदर। अब यहाँ पे बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये वाला प्रोसेसर आपको क्लैडियन कंप्यूटर के अंदर 13190 रुपए का देखने को मिल जाएगा। इस वाले प्रोसेसर को आप इस बिल्ड के अंदर डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो। अभी नेक्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे आ जाता है इसका रैम। अब देखो रैम के अंदर आपको यहाँ पे अभी के टाइम जो आप बिल्ड बना रहे हो, क्योंकि आपका बजट यहाँ पे लिमिटेड है, तो आपको यहाँ पे 8 GB रैम के साथ ही जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप 16 GB रैम के साथ 8-8 GB का 2-2 स्टिक का इस्तेमाल करना। लेकिन फिलहाल इस बिल्ड के लिए मैं आपको इस्तेमाल करने को बोलूंगा 8 GB के एक स्टिक इस्तेमाल करो। AT&T की तरफ से XPG D30। अब ये वाला रैम जो है एकदम लेजेंडरी रैम है, बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस निकल के आता है, 3200 MHz की ये फ्रीक्वेंसी आपको देता है, और यहाँ पे आपको हीटसिंक भी मिल जाता है। इन फ्यूचर आप इसको ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले रैम की प्राइसिंग की, तो ये वाला रैम आपको एम्प्रेस कंप्यूटर के अंदर 2699 मतलब 2700 के अंदर देखने को मिल जाता है।
जाता है, काफी सही डील है, डेफिनेटली इसको आप इंक्लूड कर सकते हो इस बेल्ट के अंदर। अभी नेक्स्ट डे पे हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। अब स्टोरेज के अंदर आज के टाइम आपको एक NVMe SSD या फिर SATA वाला SSD का इस्तेमाल डेफिनेटली करना है, नहीं तो आज का ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आज के टाइम पे आप अगर SSD का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। तो डेफिनेटली इस बिल्ड के अंदर आपको एक NVMe SSD का मैं रिकमेंड कर रहा हूं एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 690 नियो प्रो। अब ये वाला जो NVMe SSD है ना, बजट के अंदर आपको कमाल का वैल्यू ऑफर कर रहा है। अब देखो इतने ज्यादा आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा क्योंकि बजट कैटेगरी के अंदर ये वाला NVMe SSD आता है, लेकिन आपको बजट यहां पे लिमिटेड है तो यहां पे एटलीस्ट आपको एक NVMe मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस वाले NVMe का आप इस्तेमाल करो इस बिल्ड के अंदर। इसके अंदर आपको डिसेंट सा रीड एंड राइट स्पीड भी देखने को मिल जाता है, SATA से तो बेहतर ही है। ठीक है, 3 साल का वारंटी के साथ ये वाला NVMe SSD आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये वाला NVMe SSD आपको MD कंप्यूटर के अंदर 2625 रुपए का देखने को मिल जाएगा, बहुत सही डील है, डेफिनेटली इसको आप इंक्लूड करना इस बेल्ट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे PSU पावर सप्लाई के बारे में, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में इसके बाद ही बात करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे सबर रखो। अभी जो पावर सप्लाई इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, गीगाबाइट की तरफ से B550 का ये वाला पावर सप्लाई का इस्तेमाल करो। अब देखो यहाँ पे गीगाबाइट पे जो लोग यहाँ पे अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है उनके लिए बता दूं, सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे फिक्स हो चुका है। लेकिन अगर आपको गीगाबाइट फिर भी नहीं लेना है तो आप 600 रुपए एक्स्ट्रा देके यहाँ पे कूलर मास्टर पे जा सकते हो, यहाँ पे आपका कॉर्सेयर पे जा सकते हो, किसी पे भी जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे पैसे देना पड़ेगा 600-700 रुपए के आसपास। तो अगर आप वो ले सकते हो तो डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उस पे जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट 550 वाटेज का पावर सप्लाई का ही इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके नीचे 450 वाटेज का इस्तेमाल करोगे तो RTX 3050 जो कार्ड है इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे उतना ज्यादा पावर यहाँ पे नहीं ले पाएगा, तो यहाँ पे अंडर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल कर रहा है 550 वाटेज का ही पावर सप्लाई, और गीगाबाइट की ये वाला पावर सप्लाई 80 प्लस ब्रोन सर्टिफिकेशन के साथ आता है, काफी सही पावर सप्लाई, डेफिनेटली इसको इंक्लूड कर सकते हो आप इस बिल्ड के अंदर। ब्रीडेड केबल के साथ आता है, 3 साल का वारंटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पे इसकी प्राइसिंग की, तो 3000 रुपए के अंदर MD कंप्यूटर के अंदर आपको ये वाला पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छा डील है, डेफिनेटली आप इसको इंक्लूड कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। अब फाइनली यहाँ पे बात करेंगे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस बिल्ड के अंदर, जो कि यहाँ पे आता है जोटेक की तरफ से RTX 3050 ट्विन एज एडिशन। अब इस वाले ग्राफिक्स कार्ड के अंदर आपको 8GB का VRAM देखने को मिल जाता है, GDDR6 का VRAM यहाँ पे आपको मिल रहा है, मतलब लेटेस्ट जनरेशन का, और यहाँ पे PCIe जनरेशन 4 का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और इसलिए मैं बात किया आपको मदरबोर्ड के बारे में जहाँ पे आपको PCIe जनरेशन 4 का सपोर्ट होना चाहिए ताकि इसका फुल यूटिलाइजेशन आपको मिले। अब इस वाले ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मतलब क्या ही क्या है, नया लॉन्च हुआ है NVIDIA की तरफ से, और यहाँ पे इसका बेंचमार्क भी शायद से आप लोग यहाँ पे देख लिया है, तो इसके ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1080p लेवल का आपको गेमिंग करवा के देगा यहाँ पे, अल्ट्रा सेटिंग हाई सेटिंग के अंदर बहुत मक्कन तरीके से 60fps मिनिमम आपको मिलेगा। ठीक है, 60fps मिनिमम मिलेगा, इसके साथ आपको लेटेस्ट जनरेशन का एनकोडर मिल जाता है जो आपको रेंडरिंग में हेल्प करेगा, साथ साथ यहाँ पे आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, हार्डवेयर बेस्ड एनकोडिंग स्ट्रीमिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो PC के ऊपर लोड भी ज्यादा नहीं गिरा, और यहाँ पे जो NVIDIA का जो सॉफ्टवेयर होता है बैकग्राउंड ब्लर वाला वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब बहुत अच्छे यहाँ पे स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ। तो सारे चीज यहाँ पे आपको बिल्कुल बेहतरीन मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो यही मेन फैक्टर हो जाता है, टोटल बजट इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इसका प्राइसिंग आपको जो बेस्ट अभी के टाइम मिल रहा है वो आता है 35,990 रुपीस का क्लैडियन कंप्यूटर के अंदर। डेफिनेटली इस बिल्ड के अंदर आप इस ग्राफिक्स कार्ड को ले सकते हो, और प्राइस भी आपको यहाँ पे काफी डिसेंट मिल रहा है। फाइनली एंड आखिरी कंपोनेंट आता है इसका कैबिनेट। अब कैबिनेट के अंदर आप कोई सा भी अपने हिसाब से कैबिनेट चूज कर सकते हो, ये मैं आपको हमेशा आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपका यहाँ पे बिल्ड है, आपको जो कैबिनेट यहाँ पे पसंद आता है आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आपको आपका बजट को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक कैबिनेट का सजेशन दे रहा हूँ जिसको आप डेफिनेटली इंक्लूड करना है इस बिल्ड के अंदर अगर हो सके तो। तो कैबिनेट यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से IS211TG। अब इस वाले कैबिनेट के बारे में मतलब क्या ही कहना, बहुत लोगों को पता है इस वाले कैबिनेट के बारे में। सामने आपको फैन मिल जाता है RGB, पीछे आपको एग्जॉस्ट के लिए एक RGB फैन मिलता है, आपको यहाँ पे ग्लास पैनल मिल रहा है, PSU शराउड मिल रहा है, ऊपर की तरफ डस्ट फिल्टर मिलता है, और सामने पे आपको थोड़ा बहुत मैश डिजाइन भी देखने को मिल जाए जिसके अंदर आपको एयर फ्लो होगा, तो आपका PC कंपोनेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ठंडा रहेगा बाकी कंपेयर टू अदर कैबिनेट। तो इस वाले कैबिनेट का आप डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो इस बिल्ड के अंदर। अब यहाँ पे बात करें इस कैबिनेट की प्राइसिंग की, एम्प्रेस कंप्यूटर के अंदर 2,850 रुपए का देखने को मिल जाता है। अब ये जो डील है काफी सही डील है अभी के टाइम अगर कंसिडर कर दो तो डेफिनेटली आप इस बिल्ड के अंदर इस कैबिनेट को इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सारे कॉम्पोनेंट का डिटेल तो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक के अंदर। अब यहाँ पे बताते हैं इसका जो टोटल कॉस्ट आपको कितना पड़ता है। तो देखो इन सारे
कंपोनेंट को लेके आपको जो टोटल कॉस्ट आएगा 66,153 रुपीस का, जो मेरे हिसाब से एकदम जस्टिफाइड है। अब RTX 3050 को लेके आप एक बहुत ही बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। इन फ्यूचर आप एक 8GB का रैम लगा लेना तो आपका यहाँ पे स्ट्रीमिंग भी और भी मक्खन हो जाएगा, गेमिंग और भी मक्खन हो जाएगा, एडिटिंग भी और भी मक्खन हो जाएगा। तो यही मेरा रिकमेंड रहेगा, क्योंकि अभी के टाइम अगर आप एक गेमिंग स्ट्रीमिंग पीसीबी बनाना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट पीसीबी मैंने आपको अभी सजेस्ट कर दिया। आई होप आपको ये पीसीबी बहुत अच्छा लगा। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ओपिनियन क्या है इस पीसीबी के रिगार्डिंग, मैं उसको रिप्लाई 100% दूंगा। मिलेंगे एक और नए पीसीबी के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी।